तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल केवी गजेंद्र को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। झारखंड के गिरिडीह जिले में पचम्बा थाना इलाके के 6 नंबर में 3 अपराधियों ने चाकू से वार करके एक युवक की हत्या कर दी है। मृतक 6 नंबर का रहने वाला था। मृतक का नाम जावेद बताया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने भंडारीडी चांदनी चौक पर सड़क जाम कर दिया है। धनवार खोरी महुआ घोड़थम्बा मार्ग पर डोरंडा के पास गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 500 बोरा चावल जब्त किया गया है। पिता को मृत पुत्र का मुंह दिखाने को तड़पती रही महिला। कहानी चतरा की है। पिता 7 माह से जेल में बंद है। इधर पत्नी की ने नवजात शिशु को जन्म दिया लेकिन मौत हो गई। उधर सास शव को लेकर जेल के गेट पर पहुंची नवजात का मुंह दिखाना चाह रही थी लेकिन अफसरों ने मना कर दिया। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड पुलिस को 14 वीरता पदक, 1 राष्ट्रपति पदक व 11 सराहनीय सेवा मेडल मिला। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों का जर्जर आवास, 1-2 को छोड़ अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को न तो पेंशन मिल रहा है और न ही बुनियादी सुविधाओं उपलब्ध है। भारत के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर पीएम मोदी समेत देश की जानी मानी हस्तियों ने दुख जताया है। बता दें कि वह जिस कंपनी में निवेश करते थे उन कंपनियों का शेयर वैल्यू में अच्छी कमाई देखने को मिल जाती थी। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर है। एम्स में इलाज जारी है और अभी तक उनके होश में आने का इंतजार बना हुआ है। डॉक्टरों की राय पर उन्हें अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ सुनाया जा रहा है। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर बल्लेबाज सिकंदर राजा ने विराट कोहली और बाबर आजम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ऐसे बल्लेबाज खेल को बदलने आते हैं। उन्होंने विराट की फिटनेस की तारीफ करते हुए कहा है कि वह इस खेल का एक अलग लेवल पर ले गए हैं। आखिर युद्ध के दौरान भारत को बॉम्बर जेट विमानों की जरूरत क्यों पड़ी? चीन ने आखिर भारत के सीमा पर इसे क्यों तैनात किया? ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रही तानातानी का मामला हो या भारत चीन के बीच चल रहा सीमा विवाद का मसला, इन दिनों रणनीतिक तौर पर बॉम्बर जेट विमानों की चर्चा देश दुनिया में जोरों पर है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 14,092 नए मामले मिले हैं। इससे पहले शनिवार को कोरोना वायरस के 15,815 नए केस सामने आए थे। इस दौरान 20,000 से भी ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के ग्रेनेड हमले में घायल तहीर खान को तुरंत मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बलिदानी तहीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक करने के लिए उसके पैतृक गांव पूंछ के लिए रवाना कर दिया। सरकार से वेतन लेकर आतंकियों के लिए काम करते थे हिजबुल सरगना सलाउद्दीन के 3 बेटे। जम्मू कश्मीर उद्यमशीलता विकास केंद्र JKEDI से निकाले गए सलाउद्दीन के छोटे बेटे सैयद मुयद शाह से पहले उसके 2 भाइयों सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ को भी पिछले वर्ष नौकरी से बाहर किया जा चुका है। दोनों भाइयों टेरर फंडिंग के सिलसिले में इस समय जेल में बंद है। बिहार के पूर्णिया जिले के कनकी नदी क्षेत्र के गांव इन दिनों भीषण कटाव की चपेट में है। नदी के किनारे बसे ग्रामीणों का घर कटान की चपेट में आकर बर्बाद हो रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राम सूरत राय ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन की नई सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा नई सरकार के आने से 2 चीजों को लेकर बहुत खुश है, एक तो शराबबंदी खत्म होगी और दूसरा तेजस्वी ने नौकरी देने का जो वादा किया है। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर झारखंड के कई जिलों में बरसात की मौसम जारी रहेगी और हवा के साथ साथ बूंदे भी गिरते रहेगी और जिसके वजह से झारखंड के कुछ ब्लॉक में यानी राजधनवार ब्लॉक के क्षेत्र में किसानों की जो दिल में खुशी की लहर थोड़ी सी पैदा हो चुकी है क्योंकि इस वजह से कहीं कहीं लोग धान की रोपी कर सकते हैं क्योंकि अभी तक जो नहीं किए हैं।
तो दोस्तों इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।